अगर आप 1 से लेके 10th of August के अंदर अंदर अपना IELTS स्पीकिंग एग्जाम देने वाले हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी हैं लेकिन फिर भी ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है कि IELTS स्पीकिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आता है एवरी 4 मंथ। आपने अपना IELTS का एग्जाम अगर 1st week of August में भरा हुआ है तो आने वाले कुछ स्पीकिंग में अगर आपका IELTS स्पीकिंग टेस्ट है तो आपके लिए वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं कंटिन्यू करूँ IELTS स्पीकिंग के साथ रिलेटेड, मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या आपने IELTS का एग्ज़ाम जो रिसेंट 26th और 27th of July जो कि सैटरडे था अगर दिया है उसमें राइटिंग टास्क क्या आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से मैं रिव्यू को फॉलो नहीं कर पाया हूँ और दोबारा से नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लाइव लोकेशन से IELTS एग्जाम रिव्यूज़ का। तो अभी मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा टास्क 2 आया स्पेशली और टास्क 1 भी बता देंगे तो ग्रेट रहेगा, और बाय एनी चांस अगर वो हमारी राइटिंग बूस्टर में अपडेटेड नहीं है तो हमें कर देंगे। वैसे 99.99% सभी राइटिंग टास्क उसमें ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। IELTS स्पीकिंग की बात करूँ जनवरी टिल अप्रैल, मई टिल अगस्त और अब सितंबर टिल दिसंबर 2024 जो नए क्यू कार्ड्स एग्जामिनर आपसे पूछेंगे आपके लिए आपको उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब से लेकर 10 अगस्त तक आपको नए क्यू कार्ड जब पूछे जाएंगे तो बहुत चांसेस रहेंगे कि आपने पहले प्रिपेयर ना किए हों। 10 अगस्त तक लिस्ट कम्प्लीटली रिवील हो जाती है, हर एक IELTS टेस्ट टेकर अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है, उसके बाद उसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एग्जाम अभी भरा नहीं है और 1st week of August फिल करने के बारे में सोच रहे हैं मैं आपको रिकमेंड करूंगा फॉर द टाइम बीइंग डिले कर दीजिए, हफ्ता लेट बुक कर दीजिए ताकि आप किसी भी अनसर्टेन या सरप्राइजिंग सिचुएशन इन द रियल IELTS स्पीकिंग एग्जाम उसे अवॉइड कर लें। आप अगर बेटर प्रिपेयर करके जाएंगे तो स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस बहुत डिफरेंट होगा और ओवरऑल भी आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको प्रिपेयर करने में मैं 2 तरह से हेल्प करता हूँ, एक तो पता है आपको कि यूट्यूब पर मैं वीडियो शेयर करता हूँ लेकिन उससे भी ज़्यादा बेटर रहता है कि मेरे IELTS स्पीकिंग बूस्टर में आपको डे इन डे आउट फ्री में अपडेट्स आते रहते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स IELTS स्पीकिंग बूस्टर बाय करते हैं, आई एम ग्रेटफुल टू यू, और आप इसे अपनी पसंदीदा बुक के साथ साथ दूसरों की भी बनाइए, इसके बारे में दूसरों को भी बताइए। कॉमेंट सेक्शन में इसके बारे में अगर आप बाय कर चुके हैं तो बताइए कि कितना प्रैक्टिकल एंड यूजफुल बुक है IELTS स्पीकिंग बूस्टर। एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन में आपको परचेज लिंक मिल जाएगा या एट द एंड ऑफ द वीडियो भी आपको इसका डायरेक्ट परचेज लिंक मिल जाएगा। तो इसमें आपको फ्री में अपडेट्स मिलते हैं, कहने का मतलब जिसने ऑलरेडी इसे बाय कर रखा है उसे किसी तरह का एडिशनल स्टडी मटेरियल या ये डर के कि सितंबर में तो नए क्यू कार्ड्स आ जाएंगे ये बुक मेरे किसी काम का नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। इसी में आपको ऑटोमेटिकली लाइव क्योंकि ये बुक रहता है तो नए अपडेट्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, और जिन्होंने बाय नहीं किया है मैं उनको रिकमेंड करूंगा वो बाय करें। और ब्यूटी देखिए, अगर बाय एनी चांस जिसने अभी बाय किया उसका दिसंबर तक भी एग्जाम क्लियर नहीं होता, जनवरी अप्रैल 2025 के जो नए क्यू कार्ड्स आएंगे तो आपको उनका फ्री अपडेट मिलेगा। मतलब एक बार में आप 2-3 सेशंस के जो नए क्यू कार्ड्स हैं वो एक बार में ही बाय कर लेते हो एट द प्राइस ऑफ 1, वेयर एज अदर बुक्स जो मकड़ शकड़ स्टूडेंट्स बाय करते हैं उनको रिपीटेडली और बार बार वो नए बुक्स बाय करने पड़ते हैं। सो आई एम सेविंग योर मनी एंड मेकिंग श्योर दैट द कॉन्टेंट इज ऑलवेज अप टू डेट, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द राइटिंग बूस्टर एज वेल। और ये दोनों स्पीकिंग एंड राइटिंग आपको एक कॉम्बो में भी मिलते हैं। तो अभी इस चैनल के साथ बिल्कुल जुड़ जाना है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है। जैसे ही आपके पास किसी भी नए क्यू कार्ड का अपडेट आता है, आपका फ्रेंड या कोई भी नोन कोई एग्जाम देता है तो उससे आपको पता चलता है, मुझे जितनी जल्दी बताएंगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए उसे अपडेट करूंगा। और जैसे ही आपका एग्जाम हो IELTS स्पीकिंग का, आप फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर में मुझे रीच करके अपने IELTS स्पीकिंग एग्जाम के एक्सपीरियंस के बारे में भी बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का आने वाले दिनों में IELTS स्पीकिंग टेस्ट है तो वो भी कॉमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि कौन सी डेट को और कौन से वेन्यू में या लोकेशन पर आपका ये स्पीकिंग टेस्ट है। एंड आई विल वेट फॉर योर व्हाट्सएप टेक्स्ट या कॉल जिस पे आप मुझे अपना लाइव IELTS स्पीकिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, एंड आई विल शेयर दैट एक्सपीरियंस विद अदर स्टूडेंट्स ऑन दिस चैनल। आई होप जो मैं अभी नए इंटरव्यू वीडियोस बना रहा हूं रिलेटेड टू वीजा सर्विसेज वो भी आप बहुत पसंद कर रहे हैं, और बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, एंड आई विल कंटिन्यू टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। दिस इज योर अमनदीप सिंह सेइंग यू गुड बाय, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय फॉर नाउ।